नमस्कार, मैं अंकित, हरियाणवी लाइव देख रहे हैं आप। फिलहाल डंडेरी गांव में मौजूद है और हमारे साथ जो शख्सियत आप देख रहे हैं, पहले भी कई बार अपने चैनल पे देखे होंगे, शहीद निशांत मलिक के पिताजी। ताऊ जी नमस्ते। नमस्ते भाई। अच्छा ताऊ जी, एक सवाल था मेरा, मेरे मन में कई दिन तक चल रहा था कि दो चीज़ें हैं, एक भाई चला गया, देश के लिए शहीद हुआ, बड़े गर्व की बात होती है, लेकिन दूसरी बात, चलो कुछ भी हो, परिवार को उसकी कमी रहती है। दोनों चीज़ों को किस नज़रिए से देखते हैं? ऐसा है, जो चीज़ें बनाई हैं वो एक दिन जानी भी हैं, चाहे वो किसी भी जीव की हो। मतलब लक 84 जीवनी बोलते हैं इसको, उसमें कभी सांप बन गया, कभी चूहा बन गया, कभी कुछ बन गया, कभी मनुष्य जीवनी आएगी, इसमें जो आया है वो जाएगा, कन्फर्म है ये तो। लेकिन एक ये है भाई, एक तो खेती आ जाए भाई, 50 साल या 60 साल हो वो कटे, एक खेती मतलब बढ़ रही हो और उसको काट दे तो कितना दुख होता है। हम खेत में गायें बढ़ जाती है, छोटी छोटी अपनी गेहूं होती हैं, तो हम जेड़ी भी बिठाने तैयार हो जाते हैं उसका, ये बता नुकसान कर दिया। तो वो चीज तो देखो मेरे पास आ नहीं सकती। उसकी इच्छा थी भाई की कि मैं आर्मी में भर्ती हूँ। मैंने उसको कहा बेचने वो प्लस टू करी काली देवी से, उसको 87% नंबर थे मेडिकल साइड में। मैं बोला MBBS कर ले, बोला ना पापा एक बार रुको, मैं नीट कर लेता हूँ। मैं बोला 1500 रुपये लगा दिए, नीट कहाँ से पड़ेगा भाई, लोग तो कोटा जाऊँ हैं। बोले पापा तेरा दोहरा उरस होऊंगा, नीट मेरी, मैं ये नहीं कहता मेरा पहला नंबर आ जाएगा, लेकिन नीट मेरी क्लियर। उसको कॉन्फिडेंस था अपने ऊपर, पढ़ाई भी उसकी बहुत बढ़िया थी, उसकी रुचि भी थी हर साइड में, ये नहीं कि आर्मी, हर साइड की रुचि थी उसको, ज्ञान भी हो रहा था कि भाई छोटा बड़ा कहाँ से किससे क्या बात करनी है। लेकिन वो फिर आर्मी में चला गया, बोला मैं एक भर्ती देख लेता हूँ। पहली भर्ती में वो क्लियर कर दिया, क्लियर हो गया मेडिकल के लिए वो आ गया। मैं बोला वहाँ बेटा हो गया, बोला हो गया, बोला चल माँ चलो कोई बात नहीं, मालिक की मर्जी। वहाँ जाने के बाद ट्रेनिंग के बाद गया तो उसने ऑफिसरी टेस्ट दिया, ऑफिसर में सिलेक्शन हो गया उसका। फरवरी में उसको ज्वाइनिंग करनी थी, तो उन्होंने मालिक ने नहीं करने दिया, ये वो अपने देश को ज्ञान नौसाव कर दी। लेकिन एक गर्व की भी बात होती है कि एक शहीद जो देश के लिए हुआ और उसने जो है आज भी उसका नाम अमर हो गया, क्योंकि जाना तो सबको एक ना एक दिन, लेकिन उस भाई का नाम अमर हुआ है। नमस्कार भाई। हाँ, अमर तो देखो जिस लाइन में जो जाता है, हम यहाँ जाते हैं तो हम अच्छा काम करेंगे तो लोग खड़ पे बैठते हैं तो ये बोलते हैं भाई बहुत बड़ी आदमी था, इसकी अभी चैना थी, और जो मेरे वर्गा दारू पीनिया हो नो कहेंगे यार बालका दौरा बैठा रहे, तो निकर्मा था। लेकिन उसकी ये रुचि थी कि भाई मैं आर्मी में जाऊं और मैं एक अच्छा मतलब सोल्जर हूं, उस टाइम सोल्जर तक, फिर अगर ऑफिसर बन जाता हूं तो ऑफिसरी का भी मैं बहुत बढ़िया तरीके से देश की सेवा करूँगा। लेकिन मालिक ने वो सिलेक्शन होने के बाद 11 अगस्त को रक्षाबंधन था उस दिन, देश को ले। अच्छा नरेश भाई साहब आए हैं, भाई जी नमस्ते, स्वागत है। नमस्ते। क्या कुछ कहना चाहोगे आज के बाद? बहुत जबरदस्त, आज भावुक पल है कि आज हमारे भाई निशांत मलिक की पुण्यतिथि है, और मैं देख रहा हूँ आज हमारा गौरव बहुत जबरदस्त बढ़ने जा रहा है। हरियाणा के अंदर आप पहली बार देखेंगे कि एक शहीद निशांत मलिक इतने मतलब पॉपुलर हो गए हैं कि उनके नाम से आज एक बहुत बड़े द्वार का उद्घाटन भी आज हमारी माता जी की हाथों से आज संपन्न होना है। और मैं जाता हूं पूरे हरियाणा देश में, मैं घूमा हूं, तो ये कहते हैं कि उनकी जाने के बाद भी शक्ति आज विशाल होती जा रही है, उनको याद किया जा रहा है, और इतने ऐतिहासिक काम उनके लिए, उन जैसे अंकल जी ने आज यहाँ ये इतना अच्छा उनका स्थल बनाया, तो ये प्रेरणादायक चीज होती हैं गांव के बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को ये सिखाती रहेंगी कि देश प्रेम से बड़ी कोई इस दुनिया में चीज नहीं है। और लाखों करोड़ों अरबोंपति खरबोंपति कितने भी हों, उनका ये सौभाग्य किसी को प्राप्त नहीं हो सकता। ये सौभाग्य तभी प्राप्त होता है जब आप देश से और देश प्रेम की भावना लेके आते हैं। मैं ताऊ जी से बात करने लग रहा था आपका अंत पहला कि ताऊ जी बताओ थी एक दिन सब ने जाना है, लेकिन बहुत कम रेयर हो है गिने चुने जो मतलब कि उनका नाम अमर हो जे है, चाहे यहाँ हो देख लो या अपने द्वार बनाया कोई भी हो, पूरा भारत उनकी जो आज याद करने लग रहा है। अमर होने वाला, अमर तो हमेशा है ना भगवान की प्रवृत्ति वाले लोग होते हैं,
बाकी तो सबने जाना है, ठीक बोल रहे अंकल जी, लेकिन अमर तो सिर्फ भगवान के साथ ही होते हैं और अमर वही होते हैं जो शहादत लेके जाते हैं, बाकी अमर की कोई कहानी नहीं है। शहादत देने वाला ही अमर होता है, चाहे वो पुराणों में दी गई हो और चाहे वो आज दी गई हो। पुराणों में भी जिन्होंने शहादत दी वही तो अमर हुए हैं, बिल्कुल आज भी वही चीज है। आप पिछले काल पे उठा के देख लो, आप जब किसी भी त्रेता युग में देख लो, कृष्ण युग में देख लो, राम युग में देख लो, जिन्होंने शहादत दी उन्हीं के मंदिर बने हैं, जिन्होंने शहादत दी उन्हीं को आज याद किया जा रहा है, जिन्होंने शहादत दी उन्हीं के ऊपर आज किसी और किताबें लिखी गई हैं, और वही हमारे निशांत मलिक जी हैं जिनकी शहादत ने आज बड़े बड़े किस्से बना दिए। शहादत सबसे बड़ी चीज है, उससे बड़ी चीज मेरे हिसाब में धरती पे कुछ है भी नहीं, लेकिन फिर भी इस चीज पे राजनीति क्यों होती है कोई नहीं कर सकता, और जिन्होंने की है, जिन्होंने शहादत पे राजनीति की है, मुझे नहीं लगता उसका प्लेटफॉर्म कभी बचा होगा, वो प्लेटफॉर्म साफ हो जाता है। आपने कहा मुझे नहीं लगता कि शहादत पे राजनीति होगी, आपको आप ही कह रहे थे कि भाई यहाँ के स्थानीय विधायक जो है आपको गेट बनाने से रोक रहे हैं, तो फिर मैंने अभी क्या बोला, जिसने की है वो बचता नहीं, अब की बारी वो भी नहीं बचेगा, लिख लो आप, उन्होंने राजनीति की ना तो अब की बारी सफाया निश्चिंत है, अगर ना करते तो नहीं होता, मैं तो साथ बोल रहा हूँ ना बात, उन्होंने राजनीति की उसका इलाज अब की बार हो जाएगा, और लिख लो आज, मुझे आज की दिन ये बात शोभा नहीं देती, फिर भी मैं कह देता हूँ, उनके द्वारा की राजनीति का उनको जवाब मिलेगा और ताउमर से उनके घर से साफ हो जाएगी। अच्छा, श्याम को भव्य उद्घाटन है गेट का, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? बिल्कुल, हमें तो बड़ा फक्र है, और एक एक ईंट, एक एक मतलब साथ खड़े हो गए पसीने के, एक एक तर तर करके जो बनाया है ना, आनंद ही अलग आया है, इतनी फीलिंग आ गई है कि आज हमें ये लगता है कि सबसे बड़ी पूजा अगर किसी की करनी है माँ बाप के बाद तो शहीद की करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, और शहादत बड़ी चीज है, और शहादत देने वालों को भगवान का रूप मिलना चाहिए और उसी तरह उनकी पूजा होनी चाहिए, क्योंकि ये जीवन भगवान का दिया हुआ है, तो इसकी रक्षा करने वाले भी हमारे जो ये फौजी हैं, शहादत देने वाले हमारे मिलिट्री मैन है, वो भी किसी भगवान से कम नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। ताऊ जी, एक लास्ट सवाल आप पर पूछना चाहूँगा। हाँ बोल। शहादत जिस वक्त होती है, ढेर सारी भीड़े लग जाती है, लोग आ जाते हैं, उसके बाद शहीदों के कई परिवार से बात हुई है कि भाई कोई सूद लेने नहीं आता। देखो ये बात तो एक्चुअल सच है, सूद वहाँ तक होती है जब वो हमारे आवास पे खरड़ पे बैठने आते हैं, उस टाइम बोलते हैं हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन ये कहने कहने की बातें होती हैं। मैं ज़्यादा राजनीतिक से तो नहीं हूँ, उन्हें मैं राजनीतिक के बारे में बोलूँ, हाँ मैं हमारे माननीय सीएम आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, हमारे माननीय सीएम नायब सैनी साहब जी है कि मेरी बेटी की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, उसकी ज्वाइनिंग करवाई जाए, जो कि इसके मेरे बेटे के साथ में फरीदाबाद का मनोज भाटी एक साथ एक जगह शहीद हुआ था, उनको ज्वाइनिंग मिल चुकी है, और मैं ये ही प्रार्थना करता हूँ कि मेरी बेटी की भी ज्वाइनिंग करवाई। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद ताऊ जी। ये चीज़ें जो है, शहीद जिस दिन होते हैं उस दिन बड़े बड़े नौटंकी, बड़े बड़े ड्रामे राजनेता करते हैं, लेकिन हकीकत उसके बाद की आप भी देख रहे हैं सच्चाई कि आज तक जो है बैंड की ज्वाइनिंग नहीं हुई है, तो प्रशासन से शासन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है इस मामले पर गौर फरमाया जाए और शहीद परिवार को पूरा सम्मान दिया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।